मेरे पीछे कौन? मैं कौन? आप बाबा। अरे तेरी बदमाश की, सोया क्यों नहीं अभी तक? हैं, सोया क्यों नहीं? मुझे नींद नहीं आई। क्यों नींद नहीं आई मेरे गुड्डे को? बाबा मैंने ख्वाब देखा। अच्छा, क्या देखा? मुझे तो दिख नहीं रहा है कि मदरसे में पढ़ने लग गया हूँ। ये तो अच्छी बात है बे। और मैं इतने सारे बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, ये तो इतनी अच्छी बात है। सुनिए तो। सुनाइए तो। तो खेलते खेलते किसी ने मुझे गिरा दिया और मेरे माथे से खून निकलने लग गया। बाबा फिर आप आए, आपने मेरे माथे पे हाथ फेरा। ऐसे? हाँ, फिर सारी चोट गायब, पर आपके हाथ पे ढेर सारा खून लग गया। गायब? बदमाशी करता है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मदरसे भी जाना है। आज हम नाश्ते में खाएंगे डंडा नहीं गिली गिली छू अंडा। हमें आज तो मौलवी साहब को दाखिला लेना पड़ेगा मदरसे में। अम्मी अब दोनों आए बच्चे के। क्यों बड़ा? जाओ मोहम्मद, सलाम करना मौलवी साहब को। हमें रुक का है गए। चलो नहीं, तुम बात करके आओ, हम यहीं रुकते हैं। नहीं यार, तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे आज बकरी ईद हो और पूरे शहर में तुम्हारे अलावा कोई बकरा ना हो। अरे तुम बात करके आओ ना, हम बैठे हैं यहीं। अरे बात क्या करनी है, मौलवी साहब हमको बहुत मानते हैं। हाँ, कई बार तो उनको फ्री में रिक्शा में सवारी कराई है। चलो ना, छोटी सी बात है इसके जैसी। कल से मदरसे आने के लिए तैयार हो जाओ बेटा। हाँ। ठीक है, अब चलो चलो चलो। अच्छा चलो, आते हैं, पहुँचो। ठीक है, आ जाओ। साहब अम्मी है हम उसकी, पैदा होते ही माँ चल बसी थी, हमने भी उसे पाला पोसा है। अब जो गलती है उसकी अब्बा की, आप मासूम बच्चे को क्यों सजा दे रहे हैं? तुम हमें सिखाओगे कि शरीयत क्या है? हमारा बस चले तो हम इस इंसान को मोहल्ले में ना रहने दें। ये हमारा आखिरी फैसला है, हम किसी भी कीमत पर उसके बेटे को मदरसे में दाखिला नहीं देंगे। मौली साहब। नहीं तो नहीं, बस खत। मौली साहब मेरी बात तो सुनिए। मौली साहब, मौली साहब बच्चे ने क्या बिगाड़ा है आपका? मैं इतना गुस्सा आया हुआ है, मन कर रहा है कि मौलवी की धड़ी नोचूं। इतना समझा रहे समझा रहे समझा रहे, पर समझ में ही नहीं आ रही बात। मत की इज्जत खराब करके रहे। निहारी लाएंगे बाजार से। शाही टुकड़ा भी। सच में? हाँ, और फिर हम तुमको जौनपुर लेके जाएंगे फूफी अम्मी के यहाँ। वहाँ भी तो मदरसा है और वहाँ तो शाकिर भी है, जमीला भी है, उनके साथ खेलना और वहीं पढ़ना। हम फूफी अम्मी के यहाँ जाएंगे? हाँ, बस में बैठकर। बाबा आज भी आप पूरी रात के बाद ही आओगे? आज हम पूरी रात के बाद नहीं, आधी रात के बाद आएंगे। सच में? हाँ। अरे तुम्हारी आंखों में तो ख्वाब है, जाओ जल्दी से बंद करके सो जाओ, नहीं तो भाग जाएंगे। हाँ।
मिनट। अल्लाह रखा सिद्दकी उर्फ अल्लाह मियां। अल्लाह मियां हो तो मस्जिद में रहो, मंदिर में क्या करने जाते हो बे? नौटंकी देखो साले की, मार मारो और तब तलक मारते रहो जब तलक सच ना उगलती। यस सर। क्या प्लान क्या प्लान पुलिस को चकमा देता है। मुसलमान होके हिंदू बनता है साला, तोड़ देंगे रे बाप। बंद कर लो साले को। सच सच बता दे, अभी भी कायदे से पूछ रहे हैं, बाद में मार के फेंक देंगे ना तो कोई पूछने भी नहीं आएगा। अल्लाह के मंदिर में नक्काशी का काम करते हैं साहब, मोहल्ले के लोगों को हमारे काम से एतराज है, सब हमसे नफरत करते हैं, सब हमें काफिर कहते हैं क्योंकि हम मुसलमान होकर हिंदुओं के मंदिर में काम करने जाते हैं। साहब हम क्या करें, हमें यही काम आता है। हमारे बाप दादा ने बनारस के कई मंदिरों में नक्काशी का काम किया है। भगवान दास वेदांति जी हमें बहुत मानते हैं साहब, उनके कहने पर ही हम ये काम कर रहे हैं। वेदांति जी हम पे बहुत भरोसा करते हैं, मंदिर का सोना तक हमें दे देते हैं, वो सोना घर जाकर हम पिघलाते हैं और नक्काशी के काम में इस्तेमाल लाते हैं। साहब हमने अपने हाथों से भगवान की मूर्तियां सजाई है साहब, अल्लाह कसम हम झूठ नहीं बोल रहे हैं साहब। पहले हम ऐसे ही चले जाते थे, लेकिन वेदांती जी ने कहा कि माहौल खराब है, इसलिए कपड़े बदल के जाते हैं ताकि हिंदुओं को एतराज ना हो। साहब यकीन नहीं है, वेदांती जी से पूछ लो। वेदांती जी से क्या पूछे बे, समझ रखा है? वेदांती जी ऐसा धर्म करेंगे हा? मंदिर में नक्काशी का काम करते हैं। वेदांती जी को फोन लगाओ रे, आते हैं तो ठीक, नहीं तो इनकाउंटर करके फेंक दो साले को गंगा में। यस सर। बख्शा मुझे तूने जहां, मेरे खुदा मेरे खुदा, हर दर्द की तू ही दवा, मेरे खुदा रहमत की बारिश भी तू, खुशियों का मरकज भी तू, रहमत की बारिश भी तू, खुशियों का मरकज भी तू, तू रोशनी तू जिंदगी दानिश कदा मेरे खुदा, रास्ता दिखा दे। ओम भूर्भुवस्वः। हर दर्द की तू ही दवा।
तत्सवितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मियां लोगों की नई कव्वाली है क्या बाबा? कव्वाली नहीं है, गायत्री मंत्र का उर्दू भावानुवाद है। दिल्ली से मित्र खुर्शीद अनवर ने भेजा है। कितना सुंदर है। लगी बाबा। उसने बताने की कोशिश की थी, हमको यकीन नहीं हुआ। देखिए माहौल ठीक नहीं चल रहा है, हमको अलर्ट रहना पड़ता है। अभी संकट मोचन मंदिर में ब्लास्ट हो चुका है। इसकी हरकत देखिए, कपड़ा वपड़ा बदल के इधर मंदिर में घुस जाना। बताइए लोग क्या कहेंगे, क्या जरूरत है? आवश्यकता है, आपसी सद्भाव समाप्त हो रहा है, मनुष्य का मनुष्य पर से विश्वास उठ रहा है। ऐसे में यदि रूप बदल के काम करना भी पड़े तो क्या हर्ज है? मनुष्यता की नियत यही है कि इसे बचाने के लिए जोखिम उठाने पड़ेंगे, आवश्यकता पड़ने पर जान भी दांव पर लगानी पड़ सकती है। बाबा बाबा एक मिनट, बस एक मिनट। मंदिर के गर्भगृह का काम मुसलमान से करवा रहे हैं, बताइए ये शास्त्र सम्मत है? आप अपनी थाली में आए अन्न को भी जांच कर खाते होंगे, किसे हिंदू ने उगाया है या मुसलमान ने? आप तो नाराज हो गए, हम तो इतना कह रहे हैं कि माहौल ठीक नहीं चल रहा है। काशी के अधिकतर मंदिरों में इसी के पुरखों ने काम किया है, इससे अच्छा कारीगर दुर्लभ है, यही नियति है। लेकिन लोग क्या कहेंगे? विश्वनाथ की इच्छा। अपने कारीगर को कहिएगा जरा संभल के काम करे, देखिए कुछ हो वा गया तो सारा दोष हम पे आएगा। अरे चाय मंगवाओ रे।